Hi everyone, this is Dietitian Nalini, wishing you all a very happy Children's Day. Children's Day, बच्चे, सबसे ज़्यादा concern mothers को रहता है बच्चों की diet का. क्या खिलाएं, क्या ना खिलाएं, और क्या ऐसा खिलाया जाए जिससे उनकी health improve हो. आजकल के इतने competition वाले time पे बच्चों पे इतना stress है, पेरेंट्स की तरफ से भी, स्कूल की तरफ से भी, एजुकेशन सिस्टम की तरफ से भी. ऐसे में हम और उनकी हेल्प क्या कर सकते हैं जिससे उनकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो और साथ में उनका परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो. डाइटिशियन नलिनी सजेस्ट यू हेल्दी फूड ऑप्शंस फॉर योर चिल्ड्रन. खाना तो बहुत सारा है, अब कैसे खिलाएं, क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं, इसी में हम लोग कन्फ्यूज़ होते रहते हैं. सो मैं ब्रॉडली डिवाइड करती हूँ हमारे पूरे खाने को तीन मेन कैटेगरीज में, जो बच्चों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहता है. द नंबर वन इज ब्रेन फूड्स, नंबर टू द स्टेमिना फूड्स, एंड नंबर थ्री द रिपेयर फूड्स. ब्रेन फूड्स, ब्रेन फूड में क्या फूड ऑप्शंस आती हैं जो बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहती है. नंबर ऑफ ऑप्शंस आर आलमंड्स, बच्चों को 5 से 7 भिगो हुई बादाम गिरी ज़रूर ऐड करें. नट्स, बाकी नट्स में आपके वॉलनट्स आ गए, पिस्ताज आ गए, काजू आ गए. यस, बच्चों को पिस्ता और काजू दे सकते हैं. Make sure they are not more than 10 in number. चवनप्राश, 1 चम्मच चवनप्राश सुबह और 1 चम्मच चवनप्राश शाम को ज़रूर ऐड करें. दूध, केसर वाला दूध बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है. आंवला, सर्दियों का मौसम है, बच्चे आराम से आंवले का मुरब्बा या आंवले की कैंडीज ले सकते हैं. 1 आंवले का मुरब्बा या फिर 2 से 4 वॉश की हुई आंवला कैंडीज बच्चे को ज़रूर दें. पम्पकिन सीड्स, फ्लेक्स, तिल, इन सब सीड्स को आप बच्चे के दूध में या फिर उनके सीरियल में या फिर उनके चीले या फिर जिसे हम पूड़ा कहते हैं या जो भी आप घर में स्वीट डिश बना रही हैं उसमें ऐड करके बच्चे को दे सकते हैं. स्टेमिना फूड्स, क्या फूड ऐड करें जिससे बच्चे का स्टेमिना बढ़े, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे उनके किसी भी स्पोर्ट्स या कोई करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए हो. द बेस्ट स्टेमिना फूड इज़ बनाना. यस, आप बच्चे को बेझिझक दिन के 2 बनाना दे सकते हैं. किसी बच्चे को अगर खांसी या बलगम या म्यूकस की प्रॉब्लम रहती है तो बनाना शेक अवॉइड करें. सिंपल बनाना एज अ फ्रूट विदाउट एनी डेयरी आप अपने बच्चों को दे सकते हैं. पीनट बटर, नॉर्मल बटर के बजाय आप ब्रेड पे या फिर नॉर्मल किसी भी परांठी के साथ 1 स्पून पीनट बटर बच्चे की डाइट में ज़रूर ऐड करें. बीटरूट का जूस, यस, बीटरूट जूस, 150 ml बीटरूट जूस अपने बच्चों को ज़रूर दें. मेक श्योर उसमें आप कुछ नमक या नींबू ना डालें. बीटरूट जूस इज कॉमनली कॉल्ड एज फटीक किलर. बच्चों को जो फटीक रहता है, जो लेजी पन सा रहता है, वो काफ़ी हद तक कम होता है. कॉर्न्स, स्टीम कॉर्न्स या सिंपल कॉर्न की चाट इवनिंग स्नैक्स इज अ वेरी गुड ऑप्शन. ग्रेप्स, यस, सीजन में आने वाले हैं, हैंडफुल ऑफ ग्रेप्स इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग बच्चों का स्टेमिना काफ़ी इम्प्रूव करता है. बीन्स, ग्रीन बीन्स या सोया बीन्स बच्चों की डाइट में ज़रूर ऐड करें. ओट मील, यस आई नो बच्चे बहुत बहुत मुंह बनाते हैं ओट मील के नाम पे. ये तो मदर की क्रिएटिविटी के ऊपर है वो ओट मील बच्चे की डाइट में कैसे ऐड करें. अगर वो कोई मिल्क पॉरेज खा रहे हैं आप उसमें ओट मील ऐड कर सकते हैं, उनकी इडली में, किसी भी सैंडविच के स्प्रेड में, या फिर अगर आप घर में सिंपल वाइट राइस का पुलाव बना रहे हैं, खीर बना रहे हैं, कस्टर्ड बना रहे हैं, उसमें आप 1 से 2 चम्मच ओट मील ऐड कर सकते हैं. सिट्रस फ्रूट, ऑरेंजेस, मसम्मी या कीनू, कोई भी एक सिट्रस फ्रूट अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर ऐड करें. बेस्ट ऑप्शंस आप उनको मिड मॉर्निंग दे सकते हैं या फिर अर्ली इवनिंग अराउंड 4 to 5 PM पे ऐड कर सकते हैं. वाटर, यस, हाइड्रेशन, चाहे कितना भी अच्छा खाना खिला लो अगर बच्चे में पानी की कमी होगी, स्टेमिना बिल्डअप करने में दिक्कत होती है, सो मेक श्योर आपका बच्चा 3 to 3.5 liters पानी की इंटेक ज़रूर मेंटेन करके रखे. रिपेयर फूड, वो फूड जो बच्चे के सेल्स एंड टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है. आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में जहाँ पे फूड पैटर्न कोई मेंटेन नहीं रहता, कोई रूटीन मेंटेन नहीं रहती, काफ़ी बच्चों में पाया गया है मिनरल्स एंड विटामिंस की डेफिशिएंसी. उस डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों के सेल्स एंड टिश्यूज अच्छी तरह से रिपेयर नहीं हो सकते. सो एज अ पेरेंट ये आपकी ड्यूटी है कि बच्चे की डाइट में अच्छे फूड ग्रुप्स ऐड करें जिससे उनके सेल्स एंड टिश्यूज अच्छी तरह से रिपेयर हो सके. कॉमनली रिपेयर फूड्स आर दूध, 2 ग्लास दूध जरूर ऐड करें. दही, 1 कटोरी दही दोपहर के लंच में जरूर ऐड करें. चीज, ज़रूरी चीज़ पिज्ज़ा में खाना है, आप चीज़ रोटी के साथ भी दे सकते हैं या फिर ओपन सैंडविच बना के भी दे सकते हैं. मशरूम, रिच सोर्स ऑफ विटामिन B12,
सब्जी या फिर उनको सॉटे करके आप ऐसे ही बच्चों को दे सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस एग्स फिश टूना अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। फॉर वेजिटेरियंस आप वाइट बटर ऐड कर सकते हैं येलो बटर की बजाय। पीनट्स हैंडफुल ऑफ पीनट्स डाइट में ज़रूर ऐड करें। काजू 10 से 15 काजू ज़रूर बच्चे को दें। पालक पालक की रोटी या पालक की सब्जी इवन पालक का सैंडविच स्प्रेड बना के भी आप बच्चों की डाइट में ऐड कर सकते हैं। दालें 2 कटोरी दाल ग्रोइंग का बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है एंड दाल में देसी घी का तड़का डालना ना भूलें। आई होप ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। मेक श्योर आप हेल्दी फूड ग्रुप्स अपने बच्चे की डाइट में ज़रूर ऐड करें। विशिंग यू वंस अगेन अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे।